हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ हैं विशाल। और इनको देख के मुझे हमेशा एक ब्रॉड सी स्माइल आती है चेहरे पे, क्योंकि मुझे इनके बाकी के जितने भी रोल्स रहे हैं बड़े अमेजिंग से रहे हैं। बिग बॉस के रोल की बात करते हैं। वे घर से बाहर निकल गए, पहली क्या चीज वो है जो आपने की है, और क्या ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल अभी करना चाहते हैं रियल घर में? सबसे पहली चीज जो मैंने बिग बॉस के घर से बाहर निकल कर की है वो है खाना खाया, बिरयानी खाई है। खाना अंदर नहीं मिलता, बहुत भूख लगती है। नॉनवेज सिर्फ एक ही दिन के लिए आता है। बहुत सारा खाना खाया, बहुत फनी था। मैं रसमलाई के साथ ढोकला खा रहा था और मैं रियलाइज भी नहीं कर रहा था, मैं एक साथ खा रहा था। मेरे एक फ्रेंड ने पूछा, तू क्या कर क्या रहा है भाई, तू रसमलाई के साथ ढोकला खा रहा है, ऐसा कौन खाता है? और मैंने रियलाइज भी नहीं किया, इतनी भूख थी, इतनी लालच थी कि मैं क्या खा रहा था। एक चीज मैं करना चाहूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों का, थोड़ी सी दारू पीनी है, वो अभी तक नहीं पी है, तो कुछ दोस्तों का इंतजार है, दारू पीना बाकी है, बाकी सब कर चुका हूँ। चलिए ग्रेट। अब मुझे बताइए, इतने समय तक घर के अंदर रहे, आई एम श्योर घर का किराया बिल्कुल नहीं देना पड़ा। मकान मालिक पीछे तो नहीं पड़ेगा आपके कि तुम वहां रहे हो, वहां पे फ्री में रहो, मेरा किराया तो मैं बिल्कुल वसूल करके रहूंगा। व्हाट नहीं डज नहीं मैडम, पीपल मुंबई में से? ऐसा नहीं होता। मुंबई में अगर आपका घर का सामान भी घर पर है तो किराया देना पड़ता है, तो उससे तो कोई बच नहीं सकता मुंबई में। लेकिन अच्छा है, कुछ अलग फीलिंग हुई, क्योंकि बिग बॉस का घर बहुत बड़ा है। इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है, तो हर दिन मैं अपने बेड पे ऐसे सो के देख रहा था। मैं सोचता था कि पहले जमाने के राजा महाराजा ऐसे घरों में रहते होंगे, जहां से एक एक ओर से दूसरी ओर तक आवाज भी नहीं पहुंचती। हमारे यहाँ तो अगर हम घर इधर डकार भी मारे तो पूरे घर को पता चल जाता है कि डकार मारी है। लेकिन वहां पर एक घर, एक ओर से दूसरी ओर किसी को बुलाना हो बिग बॉस के घर में तो बहुत दूर है, तो इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा घर था, तो मजा आया। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या कहते हैं? आई एम श्योर जो लोग आपको देख रहे होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, मिक्स फीलिंग्स भी होती है कि अरे यार कहाँ ये सब चीजों में पड़ गया, हमारे पास रह जाता। तो कुछ लोग बोलते होंगे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या रिएक्शन मिलते हैं लोग? क्या होता है कि बिग बॉस के घर में हम जब जाते हैं ना, तो हम घर वालों से और दोस्तों से दूर हो जाते हैं। वो हमें रोज देख सकते हैं, तो उनके लिए वो दूरी महसूस नहीं होती। उनको लगता है, अरे विशाल तो क्या है, टीवी ऑन करो, अब तो 24 आवर लाइव है, तो विशाल तो सामने। हाँ, हमें बहुत कमी महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है, परिवार से दूर होते हैं हम, उस स्ट्रेसफुल माहौल में होते हैं, हर कोई आपको घर से बाहर फेंकना चाहता है, हर कोई आपको नफरत कर रहा होता है, तो हम बहुत मिस करते हैं घर वालों को। लेकिन अपने घर वाले तो रोज देख सकते हैं, तो वो इतना मिस नहीं करते। इनफैक्ट घर से बाहर आने के बाद सबने बोला कि यार, हम तो हमें को लगा ही नहीं था तू इतना खेल सकता है, तू क्या खेला यार गेम, क्या खेला गेम, ऐसा मजा आ गया। तो मुझे मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज देखने की आदत नहीं है। आई एम लिटिल टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड, तो आई एम नॉट यूज्ड टू सीइंग सो मेनी मैसेजेस ऑन माय फोन। सुबह उठता हूँ, 500 मैसेज, 600 मैसेजेस। मेरा ट्विटर अकाउंट भी मैंने जाने के पहले ही बनाया था, तो वो भी मुझे कहा गया कि प्लीज ट्विटर अकाउंट बनाओ, तो मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया। 4 दिन से मैं ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा हूँ, ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। तो मुझे तो ट्रेंड क्या होता है वही नहीं पता था, मुझे तो एक ही ट्रेंड पता था, कपड़ों का ट्रेंड। तो ट्विटर का ट्रेंड मुझे अब आखिर पता चला है। मैं ट्रेंड हो रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरी जनता मुझे इतना प्यार दे रही है। तो इतने प्यार की आदत नहीं है विशाल कोटियन को, पर उन्होंने मुझे सर का ताज बना कर रखा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है, बस यही फीलिंग है इस वक्त। लवली। अच्छा सर्टेनली, मैं क्यों बोलती हूँ आपको देख के स्माइल आती है, मैं श्री आदि मानव से कनेक्ट करते आती हूँ उस समय से। सबसे फनी चीज क्या लगती है कि अरे यार कहाँ फंस गया, ऐसी फीलिंग कब कब आई थी आपके दिल में? जब मुझे एक बार शमिता शेट्टी और तेजस्वी ने पूछा था कि हम दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेगा, उस वक्त मैं फंस गया था। मुझे लगा यार अब क्या करूं। मैंने उनसे सोचकर कहा कि आप दोनों मेरे लिए एक समान हो, एक भगवान का प्रसाद है तो एक भगवान की आरती है, अब आप दोनों में चूज करके दिखाओ। तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे देखने लग गए, और फिर उनको एहसास हुआ कि ये हमें खुद फंसा रहा है और मेरे पीछे दौड़ने लगे दोनों। तो मेरे पास दिमाग है, मेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, ये तो आपने देखा ही होगा, तो उस वक्त भी मैं दिमाग की वजह से बच के निकल गया, लेकिन वो सिचुएशन में मैं फंस गया था। दो महिलाओं ने फंसा दिया था एक स्मार्ट बॉय को। आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी निकल गए? मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको पसंद किया जाता रहा, जैसा कि आपने कहा ट्रेंड नाम का वर्ड भी आपकी जिंदगी में जुड़ गया है, ट्रेंडिंग। तो नहीं लगता कि आप जल्दी आ गए? मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी आ गया। मैं मुझे लगता है कि मेरी पिक्चर अभी बाकी थी,
कुछ सवाल पूछने थे, कुछ जवाब देने थे। मुझे अपनी बहन के साथ, बहन से पूछना था कि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, अच्छा बुरा सब साथ लेकर, तुम मेरे साथ अच्छा बुरा साथ लेकर क्यों नहीं खड़ी हुई? तुमने जब पहली बार तुम्हें किसी ने विशाल कोचिंग के बारे में आकर बोला, तो तब तुमने क्यों बोला, ये नहीं बोला कि अगर मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी? अगर वो बोल देती तो किसी को बाद में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ बोले तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो जुबान खींच लूंगा। बताइए। ये सवाल पूछने हैं, कुछ जवाब देने हैं। मेरे बारे में देवलीना अंदर बहुत कुछ बोल कर आई है बाहर, तो उसे बताना है कि शेर जब पिंजरे में होता है तो बच्चे भी उस पर मूंगफलियां फेंकते हैं। शेर का सामना कभी जंगल में करो तो अच्छे अच्छों की फट जाती है, अरे क्योंकि बाप, शेर जब भूखा होता है तो हमला करता है, शेर जब जख्मी होता है तो तबाही मचा देता है। तो वो तबाही दिखानी है देवलीना को। तो कुछ सवाल पूछने, कुछ जवाब देने, अगर मौका मिला तो सब पूरा हिसाब पूरा करके आऊंगा। विशाल, एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहूंगी कि शमिता को ही लेकर कुछ एक सवाल भी उठे थे आप पर, राकेश बापट, इन सब चीजों को लेकर। आई वॉन्ट टू नो योर साइड ऑफ स्टोरी। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर कपिल शर्मा जी रोस्ट करते हैं, AI भी रोस्ट करते हैं, कम से कम वो स्क्रिप्ट के साथ करते हैं। मेरे पास उस पर स्क्रिप्ट नहीं थी, चार दोस्त पांच दोस्त बैठे थे एक डेन के अंदर, वो जगह थी वहां पर, उन्होंने बोला कुछ मजेदार करके बता, मैंने इम्प्रोम्प्टू तो एक रोस्ट कर दिया, अमिताभ के सत्ते पे सत्ता का सीन कर दिया, उससे बड़ा भाई। तो उस वक्त मैंने सिम्बा के बारे में बोला, निशांत के बारे में बोला, उमर के बारे में बोला, प्रतीक के बारे में बोला, करण के बारे में बोला जो वहां सामने बैठा था, और फिर मैंने राकेश के बारे में बोला कि ये मेरे साथ भाई है। वो उस रोस्ट को इतना सीरियसली लेकर उसमें से बीच में से एक वर्ड निकाल कर बोलना बहुत ही स्टूपिड था, क्योंकि अगर मैं अगर ऐसे मुद्दे पकड़ने लगू तो कपिल शर्मा तो अभी जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने तो आधी इंडस्ट्री को रोस्ट कर दिया है। जब भारती आई थी तो भारती ने कहा था कि भारती ने जब जब मैं जिस दिन एलिमिनेट हुआ था उस टास्क में शमिता शेट्टी के मुंह पर किसी ने बड़ी सी लिपस्टिक लगा दी थी, तो उन्होंने कहा शमिता शेट्टी के लिप्स देखो, ऐसा लगता है कि विशाल कोचन के लिप्स शमिता शेट्टी के लिप्स पर लगा दिए गए। मैं उस पर बहुत हंसा था क्योंकि वो फनी लग रहा था, उसके इतने बड़े लिप्स लग रहे थे। लेकिन अगर इसी को दूसरे अंदाज में देखा जाए, और मैं कहूं कि भाई और बहन के बारे में की भारती ने गलत बात, कह दिया कि भाई के होंठ बहन के होंठ पर है, क्या भारती ऐसा बात कर सकती है, कितनी नीचे गिर गई है भारती, तो बड़ा स्टूपिड लगेगा यार, वो भारती है, कमान यार, वो मस्ती कर रही थी, और ये बात मैं समझता हूँ। तो मेरी बातों को भी ऐसे ही बीच में से जब एक वर्ड निकाल कर, एक सेंटेंस निकाल कर प्रेस ने प्रस्तुत किया, तो मुझे ऐसे लगा कि प्रेस को कोई काम नहीं। यही प्रॉब्लम है कि लोग प्रेस को बोलते हैं कि आप आग लगाते हो। प्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को बताएं, प्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि झूठी चीजें ऊपर उठाकर दिखाएं। यही किया मेरे साथ मीडिया ने, जिससे मैं बहुत हर्ट हुआ था, पर जो है वो है, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने जिनको बोलना था उनको बोल दिया। जब मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दुनिया गई भाड़। अच्छा, अब एक सिचुएशन है, आपको बना दिया गया है डायरेक्टर साहब और आपको लेके आना है बिग बॉस के 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स जिनको आप घर पर रखना चाहो। कौन ऐसे बिग 5 बॉस लोग को होंगे जिनको आप अपने साथ रखना चाहोगे, मेरे घर कितने भी पे एनी बड़े? मैं रखना चाहूंगा उमर रियाज को, क्योंकि वो दोस्तों का दोस्त है, बहुत रियल है, जो भी करता है रियल करता है, बहुत ही हंसमुख बंदा है, उसके और मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। मैं रखना चाहूंगा तेजस्वी को, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, भिड़ू है, दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त दोस्त होता है, लड़का या लड़की नहीं होती, वरना दोस्ती बदनाम हो जाएगी। अपनी बहन को, क्योंकि मेरी बहन जैसी भी है, मेरी बहन है, मेरी बहन हमेशा मेरी बहन रहेगी। करण कुंद्रा को, क्योंकि करण कुंद्रा मेरे साथ बैठकर दो दो पैग मारेगा, वो और मैं दोनों एक जैसे हैं और दोनों बहुत मस्ती करेंगे। तो ये तो हो गए चार। पांचवा मैं लाना चाहूंगा सिम्बा को, क्योंकि सिम्बा खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो जब हम लोग बैठकर मस्ती कर रहे होंगे तो सिम्बा अलग अलग, उसको मजा भी आता है, वो ही इंजॉयज कुकिंग, वो एकदम दिल से बनाता है, तो जब हम बैठ कर मस्ती कर रहे होंगे तो कोई खाना भी बनाकर पेश करेगा, और सिम्बा यारों का यार है तो मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल। ये पांच होंगे अगर घर के अंदर मेरे साथ हो। और ये बात हुई जो बिग बॉस में अभी के मेहमान हैं या फिर अभी के घर वाले हैं, पूरी दुनिया में से किसी को लाना है तो कौन से 5 नाम होंगे? एक नाम तो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, रेखा जी, बिकॉज यू रियली लव हर। तो रेखा जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए घर पर ले आते पांच हैं उनको, अगर उनके साथ किस किस को रखेंगे अपने साथ? रेखा जी के साथ, पहले तो बच्चन साहब, क्योंकि बच्चन साहब और रेखा जी अगर साथ हो तो मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज सिलसिला का वो सीन मुझे करके दिखाइए कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। उसके अलावा एक्चुअली मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी, आप चॉइस दे रही तो मैं फिर भी आपको नाम दूंगा, लेकिन रेखा जी और बच्चन साहब अगर साथ में होंगे तो पता नहीं मैं दूसरा किसी को देखूंगा ही नहीं। तो रेखा जी, बच्चन साहब, रणवीर सिंह, क्योंकि रणवीर सिंह अपना भाई है, रणवीर सिंह के
बहुत मेरी तरह है, मुफट है और गली बॉय है वो भी, तो रणवीर सिंह होगा। अब रणवीर सिंह होगा तो दीपिका पादुकोण भी होनी चाहिए, वरना अपना लाला अकेला फील करेगा। और पांचवा मैं चाहूंगा इस घर में मेरे साथ कपिल शर्मा हो, क्योंकि कपिल शर्मा होगा तो हम सब बैठकर उसकी हंसी एंजॉय कर सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर एंजॉय कर सकते हैं। तो अमिताभ सर, रेखा जी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कपिल शर्मा जी, ये पांच लोग होंगे तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। और सलमान सर को क्या आप रोल देने वाले हैं अगर आपका बिग बॉस? सलमान सर को मैं बोलूंगा कि आप हर वीकेंड पर आइए और हम पांच लोग क्या गलत कर रहे हैं घर के अंदर वो बताइए, तो आप लोग आप हमें गाइड कीजिए। आपको नहीं लगता बेचारे सलमान जी को आप परेशानी में डाल दे रहे हैं? मतलब बच्चन साहब को पॉइंट आउट करना, रेखा जी को पॉइंट आउट करना, उनके पिताजी जो है सलीम जी वो अच्छे से छड़ी लगाएंगे। नहीं नहीं अच्छा है ना, क्या है कि सलमान सर ने हर हर वीकेंड के वार पर आकर हमें डराया है, तो एक बार मैं देखना चाहूंगा कि रेखा जी और अमिताभ बच्चन सर के सामने सलमान जी कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा सलमान जी को कॉर्नर करना है कि देखते हैं आप इनको एडवाइस कैसे करते हो। मतलब षड्यंत्र चल रहा है सलमान जी के लिए। इधर भी मैंने दिमाग का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा अब जाते जाते मुझे ये बताइए, घर से ऐसी क्या चीज है जो सीखी है आज से 10 साल बाद भी अगर बिग बॉस के सफर को, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी बाहर आ गया, आई वॉन्टेड टू सी यू मोर, बट जितना भी सफर रहा आपका, ये चीज अच्छी या बुरी, मैंने सीखी और जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा? जिंदगी भर तक मैं एक बात नहीं भूलूंगा जो जेन्युइनली फीलिंग करके बता रहा हूं आपको। मैंने 15 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया था और तब से मैं अपने डैड के साथ रह रहा हूँ। पर हम हिंदुस्तान में एक बहुत अजीब बात है, लड़के स्पेशली अपने माँ को गले लगा लेते हैं, अपने डैड को कभी गले नहीं लगाते। ये बात मैंने घर के अंदर जाने के बाद महसूस की कि कितना मैं अपने डैड को गले लगाना चाहता हूँ, कितना मैं डैड को बोलना चाहता हूँ कि डैड आई लव यू। ये बात लड़के नहीं बोलते अपने डैड को। तो हर उस बेटे के लिए संदेशा है कि बिग बॉस के 2 महीने अकेले जब रहा तो हर दिन अपने डैड को मिस किया, हर दिन उनकी चिंता थी, वो अकेले थे बाहर, और अब हर दिन मैं अपने डैड को गले लगाऊंगा। बहुत बेसिक छोटी सी बात है, बाकी किसी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ा इंसान हूं। मैं तो जंगल में भी जब वो लोग बोलते थे तू इतने आराम से कैसे रह रहा है, तो मैं उनको बोलता था जंगल मेरे लिए लग्जरी है भाई, अपन तो रस्ते पे सोया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटी सी सिंपल सी बात मैंने सीखी है कि लड़कों अपने डैड को भी गले लगाओ, अपने डैड को भी आई लव यू बोलो, क्योंकि वही इंसान है जो जिंदगी भर चुपचाप काम करता रहता है और बिना किसी अपेक्षा के करता है, और वो भी प्यार चाहता है, भले बोले ना पर वो भी प्यार चाहता है। तो अपने अपने डैड को आज ही जाकर गले लगाओ और हर दिन गले लगाओ और कम से कम एक बार आई लव यू बोलो। यार आप बिग बॉस में क्या कर रहे हो? Why don't you become a motivational speaker or something? You speak so well and you speak so positively. I wish मैं आपको यार कलर्स वाले से मैं ही रिक्वेस्ट कर रही थी यार वापस बुला लो यार इनको, मजा आएगा इनको और देखने में मजा आएगा। Thanks a lot for sharing so many things with us. I hope we'll be able to meet one on one basis. Thank you. Surely, surely. Thank you so much.